फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीना किचन पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी राइस पकौड़ा। बहुत ही टेस्टी है ये राइस पकौड़ा और बनाने से बहुत ही इजी है। आप चाहे तो भी एक बार ट्राई कर लेना। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। और एक बात, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए, प्लीज़ शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट मैं रेसिपी को बना लेता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने राइस पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ राइस ले लिया। और इस तरीके से मैं प्याज काट के रखा था, इस प्याज को भी दे दूंगी। और हरी मिर्च, वन स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ स्पून धनिया पाउडर, वन स्पून हल्दी पाउडर, और दे दूंगी नमक। मेरे हिसाब से मैंने दे दिया। और दे दूंगी टू स्पून दो चम्मच बेसन, अभी मैंने सारा चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। देखिए, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लिया। अभी मैंने इसको एक एक करके पकौड़ा बना लूँगी। देखिए, मैं इस तरीके से चारा पकौड़ा बनाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरीके से सारा पकौड़ा बना लिया। देखिए, आप चाहे तो दूसरा से बना सकती हो। इस पकौड़ा को आप चाहे तो गोल करके भी बना सकती हो, लेकिन मैं इस साइज में बनाया। देखिए, सारा पकौड़ा मेरी रेडी है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं पैन में ऑयल गरम होने दे दिया। ऑयल अच्छी तरीके से गरम भी हुई हुआ। मैं अभी एक एक करके सारा पकौड़ा को ऑयल पे दे दूँगी। देखिए, मैं गैस का स्विच मीडियम फ्लेम पे रखा है, क्योंकि अच्छी तरीके से होना चाहिए। मैं भी अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से हल्का हाथों से इसको मैं पलट कर दे रहा हूँ। एकदम इजी रेसिपी है। आप चाहे तो जब अपना आपका मन चाहे तो बना ले सकती हो।
क्योंकि इस आपका घर पे जो बची बचा हुआ राइस उससे भी आप बना सकती हो। बहुत ही इजी है ये, इसके बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना ज़रूरी नहीं है। कम मेहनत से भी आपने इस रेसिपी को बना सकती हो। देखिए ये कितना बढ़िया पकौड़ा हुआ है। फ्रेंड्स देखिए ये मेरा राइस पकौड़ा ऑलरेडी हो चुकी है। ये कितना बढ़िया सा पकौड़ा रेडी है। अभी मैंने गैस का स्विच, गैस का फ्लेम ऑफ कर लूँगी। अभी मैंने सारा पकौड़ा को प्लेट से साइड कर लूँगी। देखिए बहुत ही बढ़िया पकौड़ा रेडी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी रखती हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ। खुदा हाफिज़।